शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 9, कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय टू पिन मेथड। और इसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो है कॉन्वेक्स लेंस, लेंस स्टैंड, टू पिन्स विद स्टैंड और मीटर रॉड। और इसमें जो प्रैक्टिकल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोकल लेंथ मालूम करने के लिए, वो ये है एफ इजिकल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। इसका ऑब्जर्वेशन कॉलम कुछ इस तरह से बना हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज पिन, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन। ये तीन चीज़ें पहले आपको मालूम करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 50, 80, इसको आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये एक इमेजिनरी रीडिंग लिखी हुई है। आपको जो नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के अंदर जो है वो रीडिंग नोट करनी होगी। फिर आप इमेज डिस्टेंस मालूम करेंगे जो बराबर होगा क्यू इजिकल टू बी माइनस ए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आप मालूम करेंगे पी इजिकल टू सी माइनस बी। आए इस प्रैक्टिकल को हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल में ये जो लेंस दो पिने हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास पिन है ये इमेज पिन कहलाती है, और राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास पिन है ये वाली पिन, ये ऑब्जेक्ट पिन कहलाती है। तो सबसे पहले हम इस पिन को यहाँ से हटा लेंगे क्योंकि ये इमेज पिन है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पिन को सेट करेंगे। ऑब्जेक्ट पिन को सेट करने का तरीका कार ये होगा कि इसका जो इमेज आना चाहिए वो सेम साइज़ का आना चाहिए, इसका इन्वर्टेड इमेज सेम साइज़ का आना चाहिए। इसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प लेंगे जो हमारे साथ इस प्रैक्टिकल को कराने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लेंस है, इसकी लेंस की जो पोजीशन है ये हमने रखी हुई है, आप गौर से देखें, ये 50 सेंटीमीटर पर लेंस को रखा गया है। चले अब आप पहले ये देखें कि यहाँ पे जो पिन है ये आपको वर्चुअल नज़र आ रही है और थोड़ी सी मैग्नीफाइड है, एक्चुअल जो पिन का साइज़ है वो स्मॉल है। थोड़ा सा पीछे करें इसको, ये पीछे कर रहे हैं और पिन का साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है। इसको ऑब्ज़र्व करते चले जाएंगे और देखें साइज़ इसका पीछे की तरफ जाने से मज़ीद बढ़ रहा है। और अब हमें सिर्फ उनका हाथ नज़र आ रहा है, पिन नज़र नहीं आ रही। पिन हमें यहाँ पे मज़ीद पीछे लेके जाएं और बस बस थोड़ा सा आगे लेकर आएं। ये देखें पिन का हमें ब्लू वाला साइड नज़र आ रही है। हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं तो ये देखें आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है। ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इन्वर्टेड इमेज जो है, इन्वर्टेड रियल इमेज इसका बन रहा है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पिन का साइज़ और इस इमेज का साइज़ सेम होना चाहिए। पिन का साइज़ और इसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये कैमरा पकड़ा रहा हूँ और ये कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं। अब जो है मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ये जो मेरे हाथ में जो पिन है ये इमेज पिन कहलाती है। अब मैं उस इमेज को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। थोड़ा सा आगे करें पिन को थोड़ा सा आगे करें। हाँ सही। अब मैं इस पिन को और उस पिन को एडजस्ट करूंगा। देखें ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से हम इस स्क्रू को ऊपर करेंगे ताकि जो पिन का साइज़, इमेज का साइज़ और पिन का साइज़ सेम हो जाए। तो बाज़ औक़ात जो है इसमें डिफरेंस आता है जिससे रीडिंग में
मुश्किल होती है। देखें अभी मैं मूव कर रहा हूँ अपने सर को, तो वो पेन जो है वो फास्ट जा रही है। देखिए मैंने इसको एडजस्ट किया है और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें दोनों पिने एक साथ हैं। अगर आप इसको मूव कर रहे हैं, देखें ये जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये दोनों पिने एक साथ मूव कर रही हैं। ये एक ही पॉइंट पर ये काम होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे या तो इमेज पिन तेज़ जा रही होगी या ऑब्जेक्ट पिन तेज़ जा रही होगी। अगर इमेज पिन तेज़ जा रही हो तो आप पीछे की साइड पर आएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट पिन तेज़ जा रही हो तो आप आगे की जगह आगे की तरफ जाएंगे, और आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये दोनों पिनें जो हैं साथ साथ मूव कर रही हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में आके, स्टूडेंट्स इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये पिन जो है देखें साथ साथ मूव कर रही हैं। आके देख लें, ये देखें ये पिनें दोनों साथ साथ मूव कर रही हैं। आके देखें, ये देखें ये पिनें, आप देख रहे हैं ये, आपको ये दोनों पिने एक साथ मूव कर रही हैं। ये इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट हमने मालूम करना था वो हमारे पास हो गया है। अब इसकी हम कैलकुलेशन को नोट करेंगे। कैलकुलेशन को नोट करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप मुझे पेंसिल या पेन दें। पेंसिल तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ लेंस जो है अपनी लिखेंगे, 50 हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने, ये गौर से देखें, हम इस दूसरी साइड पे आए हुए और यहाँ पे हम नोट करेंगे ये रीडिंग। ये जो आपकी पिन है ऑब्जेक्ट पिन, ये 98 पर है, तो हम ऑब्जेक्ट पिन लिख देंगे 98। सही है, जैसे देखें मैंने आपके सामने लिखा 98। और इसके बाद हम अपनी इमेज पिन को देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे है। इमेज पिन जो है हमारे पास वो 17 पर है, तो ये रीडिंग हमने नोट कर ली, 17 हमने ये रीडिंग नोट कर ली। अब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर, हमारे पास 17 है, यहाँ पे 50 है, तो हम यहाँ पर ये A कहलाएगा, ये है B, तो हम यहाँ पे हमारे पास ये है 17 और हमें B माइनस A करना है, तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 17, क्या आंसर आएगा भाई, 50 माइनस 17, 33 हमारे पास आंसर आ गया। और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस निकला Q। अब हम मालूम करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा है 98, और 98 में से हम माइनस करेंगे 50। तो स्टूडेंट बाज़ वक़्त ये पोजीशन चेंज होती हैं, तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपका P और Q जो है वो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो 98 माइनस 50 करें, क्या आंसर आया, 48 आंसर हमारे पास आ गया। अब हम पहली रीडिंग की कैलकुलेशन को निकालेंगे। गौर से देखें यहाँ पर, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास F1 लिखा हुआ है,
F1 लिखा हुआ है। F1 में हमारे पास P और Q, P हमारे पास आया था 48 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइड बाय 48 प्लस 33। बेटा ये 48 को मल्टीप्लाई करें 33 से, आंसर बताएं मुझे। ये आया है 1584 डिवाइड बाय 48 प्लस 33 करें डिवाइड बाय 48 नहीं सही करें, दोबारा करेगा 48 48 प्लस 33 नहीं नहीं कुछ नहीं करना, आपसे डिवाइड नहीं करें, इज इक्वल टू 81 आ गया। अच्छा जी, अब आप करें 1584 को डिवाइड करें 81 से, क्या आंसर आ रहा है? यह आंसर आ रहा है आपका 19.55। आपने पहली फोकल लेंथ मालूम कर ली। दूसरी फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हम आपको तरीकाकार बता देते हैं ताकि आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकें। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि अपने ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ लेकर जाएंगे। पोजीशन ऑफ लेंस वही रहेगी। अगर आप इसको 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ लेकर जाते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट यानी सॉरी इमेज पिन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो आपकी दूसरी रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह फर्दर आप इसको 3 सेंटीमीटर आप आगे लेकर जाएं और इस पोजीशन को यहीं पे रहने दें, यानी लेंस को इसी जगह पे रहने दें और इस इमेज पिन को आप मज़ीद पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी तीसरी रीडिंग निकल आएगी। जब आप ये तीनों रीडिंग निकाल लेंगे तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, यानी F1 F2 प्लस F3 इन सब को जमा करेंगे जो तकरीबन आपका 19 के करीब ही आ रहा होगा। जैसे हमारा पहला आंसर आ रहा है 19.55, आपका भी आंसर तकरीबन तीनों इसी के करीब करीब ही आ रहे होंगे। आप इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग के करीब ही आ रहा होगा। और इसके बाद आप इसका रिज़ल्ट लिख लेते हैं। इस प्रैक्टिकल के दौरान में आपको ये जो तस्वीर बनी हुई है बेंच वगैरह दिखाया गया ये नहीं बनानी, बल्कि ये जो रे डायग्राम है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ ये रे डायग्राम आपको पेपर में बनानी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।